हेलो गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं स्टफ्ड कुलचा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसके साथ हम बनाएंगे अमृतसर के स्पेशल इमली की चटनी। कुलचे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पहले फिलिंग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉइल कर लिया था और अब इसको मैं मैश कर रही हूँ। आलू को अच्छे से मैश कर देने के बाद अब इसके अंदर मैं 2 मीडियम कटिंग करे हुए प्याज डाल रही हूँ। और उसी के साथ मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाला है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाला है, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया कटिंग करके डाल देंगे। प्लीज़ आप इसके अंदर धनिया स्किप मत करिएगा, धनिया से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। कुलचों को थोड़ा स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटिंग करके हरी मिर्च डाली है। अब मैं यहाँ इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ और उसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुलचों के लिए एक मसाला बनाकर तैयार किया था, जो डाल रही हूँ। तो अभी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे और अब हम बना लेते हैं इमली की चटनी। इमली और गुड़ की इक्वल क्वांटिटी लेके मैंने उसको 1 आवर पहले सोक करने के लिए रख दिया था। इमली और गुड़ के पानी को हम अच्छे से छान लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और साथ ही अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। चटनी को बॉडी देने के लिए और एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए मैंने जो आलू का मसाला रेडी करके रखा था वो इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसके अंदर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर कुलचों का डो रेडी करके रखा था, आप देख सकते हैं कि वह कितना अच्छे से फर्मेंट होकर रेडी है। तो अब हम इसकी बॉल्स बनाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम एक बॉल लेकर उसमें जो मसाला रेडी है उसको स्टफ करके उसको बेल लेंगे। बेलने के बाद जो नीचे वाली साइड है हम उसके ऊपर पानी लगाकर उसको तवे पे रख देंगे। अब
बाद इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड से अच्छी तरीके से सिक जाने के बाद हम तवे को फ्लिप करके उसको दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। हमारा कुलचा रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम ढेर सारा बटर लगाकर इसको सर्व करेंगे। मैंने जो आपको ये रेसिपी बताई है वो बहुत इजी और टेस्टी है। प्लीज़ आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा।